नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चलिए शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की। पश्चिम बंगाल में रामनवमी को हुई हिंसा की आग ऐसी फैली कि जिसकी चपेट में पश्चिम बंगाल से लेकर कई राज्य आ गए हैं। वही हुगली के रेलवे स्टेशन के बाहर देर रात पथराव हुआ और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हावड़ा बांद्रा रूट पर सभी लोकल मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन रोक दिया गया है। घटना के बाद रिसड़ा स्टेशन के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। वहीं हुगली में हिंसा के बाद राज्य के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने दार्जिलिंग का अपना प्रोग्राम रद्द कर दिया और कोलकाता के लिए रवाना हो गए हैं। वो यहां से सीधे रिड़सा पहुंचे और घटनास्थल का दौरा किया है। तो राम के नाम पर पश्चिम बंगाल में इस वक्त हालात बिगड़े हैं, क्योंकि रामनवमी के बाद से ही पश्चिम बंगाल में दंगों का दौर ऐसा शुरू हुआ कि उसकी चपेट में तमाम राज्य भी आ गए हैं। वहीं बिहार में भी लगातार हिंसा देखने को मिली थी, जबकि हिंसा की आग बंगाल में अभी भी लगातार जलती हुई नजर आ रही है, जिसकी चपेट में रेलवे स्टेशन से लेकर यात्री तक आ रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में हिंसा की आग ऐसी फैली कि जो अभी तक बुझने का नाम नहीं ले रही है। इस दौरान रेलवे स्टेशन को भी उपद्रवियों ने अपना निशाना बनाया, रेलवे स्टेशन के बाहर भी पत्थरबाजी हुई है। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, रामनवमी से इस हिंसा की शुरुआत हुई है जो लगातार जारी है, तो आखिर जो बंगाल पुलिस और वहां का प्रशासन और वहां की सरकार आखिर कर क्या रहा है? बढ़ाते हैं और कचरे को बढ़ावा दिया जा रहा है, लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। चाहे 2021 की बात करें या हाल में रामनवमी में जिस तरह से यहाँ पर पथराव किया गया, जुलूस को लेकर यहाँ तक के बयान लोग ये तक आए हैं कि वहां से यात्रा से जुलूस को निकाला गया। हमारे देश का संविधान हमको याद देता है कि आप किसी जुलूस को कहीं से भी निकाल सकते हैं, पर शासन की व्यवस्था को दुरुस्त करने का विचार सरकार का होता है। सरकार फिलहाल इससे फिरे नजर आ रही है। इसीलिए पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस भी वहां गए हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी आतंकी है, जो भी जो लोग हैं जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई से निपटेंगे और यहाँ पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सबको ठीक किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह भी ऐसा बोल चुके हैं कि जिन्होंने भी ये काम किया है, जो भी तरह के मामले बढ़ा रहे हैं, जो भी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, बिल्कुल गौरव, जिस तरीके से अब तो ये कहा जा रहा है कि जिन्होंने भी इस घटनाओं को अंजाम दिया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी, तो अभी तक किन किन लोगों पर कार्रवाई की गई है? सर, कार्रवाई की बात करें रिश्ता और श्रीरामपुर का मामला है और वहाँ पर तमाम ऐसे लोग हैं, लगभग दर्जन दौर से ज्यादा लोग यहाँ गिरफ्तार किए गए हैं। अभी हालांकि पुलिस की जाँच जा रही है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जिस तरह से इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, सर वो भी कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट करता कि ममता बनर्जी का यहाँ पर मूल समर्थन इनको मिलता नजर आता है, कि सरकार यहाँ पर ममता सरकार यहाँ बात जरूर करती है, चाहे 21 की बात करें या 2023 की बात करें। इसके बाद भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो व्यवस्था है वो साक्षवन नहीं है। अगर हम उस समय की हिंसा की बात करें, उस समय सीआईडी और सीबीआई की मांग की गई थी, उस समय भी कार्रवाई की जा रही थी और जब वहाँ पर सीबीआई जब जा रही थी वहाँ पर कार्रवाई कर रही थी, जांच कर रही थी, उस समय भी वहाँ पर विरोध किया जाता, ममता सरकार का विरोध किया जाता, तो कहीं ना कहीं सरकारी संलिप्तता है। दर्जन वर्ष से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सरकार बता रही है कि आने जाने वाले समय में हम गिरफ्तारी करेंगे और गिरफ्तारी का जो बिल्कुल, लेकिन गौरव जिस तरीके से जो पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दिन हिंसा की शुरुआत हुई थी और वो हिंसा लगातार जारी है बंगाल के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जिलों में, तो जिस तरीके से इसकी प्लानिंग की गई, इसकी प्लॉटिंग की गई, तो आखिर जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो इन सब चीजों को भाप कैसे नहीं पाई? बिल्कुल, यहाँ पर फेलियर है, इंटेलिजेंस का फेलियर है, एनआईए भी है। अगर जो हमारी एजेंसियां है, सरकारी एजेंसियां, छुपी एजेंसियां है, वो भाप कर नहीं पा रही, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी बीजेपी आरोप लगा रही है कि बीजेपी के सांसद राकेश मुखर्जी भी कहे हैं, चटर्जी ने भी कहा है कि बंगाल की जो स्थिति है वो फिलहाल यहाँ पर पाकिस्तान जैसी स्थिति है और जिस तरह से यहाँ पर हिंदुओं का खोता लग रहा है, उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि यहाँ पर जो लोग जिस तरह सरकार ममता बनर्जी चला रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय को बढ़ाया जा रहा है, हिंदुओं पर हमेशा लगातार शोषण और अत्याचार किए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से आनंद बोस राज्यपाल
सीबी आनंद बोस राजपाल ने बयान दिया है कि जो बंगाल की स्थिति है वो खराब हो रही है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लड़ाई लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक हम बंगाल की स्थिति को बेहतर न कर ले। बंगाल हमारे देश का एक भाग है और बंगाल में अगर कोई भी अपराधिक घटनाएं होती है या गतिविधियां होती है उस पर लगाम लगाना अगर सरकार की जिम्मेदारी भी है तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जिम्मेदारी भी है और केंद्र सरकार फिलहाल इस मामले को लेकर मुखर है, कार्रवाई का दौर लगातार जारी है और केंद्र सरकार आने वाले समय में इसको लेकर कमेटी गठित कर कड़ी कार्रवाई कर सकती है। बिल्कुल गौरव, केंद्र सरकार तो मुखर है आपने बताया, जैसा की लगातार अमित शाह ने भी कहा है की बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन ममता बनर्जी खुलकर कुछ नहीं बोल रही है इस मुद्दे पर। देखिए मतलब मैं आपको पहले बताया जो मतलब इनकी सरकार बनी थी नई 2021 की बात है, उस समय जब ममता बनर्जी सरकार यहाँ पर बन के आई थी, हालांकि बीजेपी जरूर वहाँ पर सरकार बनाने का दावा कर रही थी पर बीजेपी ने वहाँ पर एक ऐतिहासिक आंकड़ा छुआ था, यानी 3 सीट से 73 सीट पर बीजेपी यहाँ पर बंगाल विधानसभा चुनाव में यहाँ पर जीत कराई थी, तो कहीं ना कहीं मजबूत विपक्ष की भूमिका वहाँ बीजेपी को मिली थी। उसके बाद से हम देख जैसे ही बंगाल का चुनाव संपन्न हुआ था परिणाम आए थे, उसके बाद से बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा का दौर जारी हो गया था, दुकानें लूटी जा रही थी, बवाल हो रहा था, इसके अलावा तमाम दुष्कर्म की घटना भी वहाँ पर सामने आई थी। लगातार बीजेपी के नेक लोग बोल रहे थे कि अरे कहीं यहाँ पर दारमूल से और नफरत की नियत से और जो बीजेपी कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे थे उनको यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है, उनको लक्ष्य बनाकर यहाँ पर उनके खिलाफ यहाँ पर अपराधी संगठन रखा जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। उस समय में अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी बयान तोड़ा रहे थे पर उन घटनाओं पर यहाँ पर लगाम नहीं लग रही थी और निश्चित रूप से हमारे देश के लिए बंगाल हमारा राज्य देश का राज्य है, पता नहीं इस तरह घटनाएं होती है तो आपसी स्वार्थ की भावना होती है, कहीं दो भी खंड होती है क्योंकि हम गंगा जमीन अजीत को तो फॉलो करते हैं और अगर किसी जुलूस पर धार्मिक जुलूस पर अगर पकड़ा होता है तो आपसी मनमुटाव होता है वो भी बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे सभी धर्मों को मानने का अधिकार हमको प्राप्त है, धर्म निरपेक्ष हमारा देश है तो वहाँ पर सभी धर्मों का अधिकार प्राप्त है, अपने धार्मिक दल से कर सकते हैं और अगर घटनाएं होती है कहीं गई जी बड़ा प्रश्न राज्य सरकार भी है और सरकार या प्रश्न यहाँ पर केंद्र सरकार पर भी है और शायद के लिए अगर सरकारी नहीं हो पा रही थी। गौरव, पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में तो लगातार दंगा देखने को मिल रहा है लेकिन उसकी चपेट में बिहार समेत कई ऐसे और राज्य भी आ गए हैं, तो इस हिंसा के आखिर जड़े कहाँ है? जड़े यहाँ पर केवल के प्रायोजित है, चुनाव आने वाला है और लगातार हम देख रहे हैं कि अलग तरह की सरगर्मियां चल रही है, दौर जारी है, हमने देखा बिहार में नीतीश कुमार की एक चार पार्टी को लेकर लगातार बवाल जारी है, उस पर भी तमाम तरह के बयान आ रहे हैं, यहाँ तक कि अगर लाल किले की फोटो लगी है तो केंद्रीय सांसद और मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि आप एफिडेविट करा के वहां पर नाम भी चस्पा कर ले, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो व्यवस्था चल रही मुस्कान वो चल रही है कि समुदाय विशेष को आगे बढ़ाते हुए और दूसरे वर्ग पर यहाँ पर प्रकाश करने का दौर चल रहा है। आने वाले समय में जो राजनीति है वो अस्सी बीच की राजनीति यहाँ पर जरूर हो रही है, विपक्ष भले ही आरोप लगाए कि हम यहाँ पर बीजेपी अस्सी बीच की राजनीति करती है और मतदान इसके बीच सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अगर बीजेपी पर आरोप इस तरह का लगता है तो विपक्ष फिलहाल 20-80 की राजनीति करता नजर आ रहा है। बिल्कुल धन्यवाद गौरव इस खबर पर जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। बिहार हिंसा की आग से धधकता रहा है और धर्म के नाम पर सासाराम और बिहार शरीफ जलता रहा है। इधर पटना में सीएम नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में शामिल हुए और इफ्तार मंच के पीछे लाल किले की तस्वीरों ने सियासी सवाल खड़े कर दिए हैं, तो जेडीयू ने इसका जवाब बिना लाल लपेट के दिया है। लाल किले का मतलब क्या, 2024 का चुनाव या दिल्ली का दाव? वैसे तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार कई बार ये कह चुके हैं कि वो पीएम बनने की रेस में नहीं है और ना ही उनके पीएम बनने की चाहत है, फिर भी पार्टी के कार्यकर्ता और मुख्यमंत्री के प्रशंसक कुछ ऐसा कर जाते हैं कि विरोधी दलों को बोलने का मौका मिल जाता है और ऐसा ही बीते दिनों सोमवार को देखने को मिला है, जहां नीतीश कुमार एक इफ्तार पार्टी में गए जिसकी खास बात रही कि उसकी सजावट बिल्कुल लाल किले जैसे की गई थी। जो अगर कोई प्रोसेशन निकालते हैं और उस वो प्रोसेशन में वायलेंस होता है तो जो ऑर्गेनाइजर्स है उनकी भी जिम्मेदारी उस पर आयद होती है कि उन्होंने उस वायलेंस को रोका नहीं बल्कि उसको आगे बढ़ाया भी। ये दो चीज़ें फैक्ट है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। और तीसरी बात यह है कि जो कुछ बिहार में हुआ है, बिहार शरीफ में, जहाँ पर एक 100 साल मदरसे अजीजिया को जला दिया गया, एक मस्जिद के मीनार को डैमेज किया गया और वहाँ पर एक टारगेटेड मुस्लिम माइनॉरिटी के दुकानों को निशाना बनाया गया, इससे साफ जाहिर है कि इसमें बहुत बड़ी प्लानिंग हुई है।
और बिहार की नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार को ये मालूम था कि नालंदा एक सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का होम डिस्ट्रिक्ट है, उसके बावजूद भी आप सासाराम में भी गड़बड़ हुई। पार्टी में पहुंचे जहां पर सियासी संदेश भी वो देने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि इस दौरान वो इफ्तार पार्टी में भले ही सफेद टोपी में नजर आए लेकिन उनके पीछे जो लाल किले का पोस्टर था वो कहीं ना कहीं अब बड़े सियासी सवाल खड़े कर रहा है कि क्या नीतीश कुमार 2024 में प्रधानमंत्री की चाहत लिए हैं। वैसे तो अक्सर नीतीश कुमार ये कहते हैं कि वो पीएम नहीं बनना चाहते, वो पीएम की रेस से बाहर है, उनकी पीएम बनने की चाहत नहीं है, लेकिन अक्सर उनके कार्यकर्ता या यूं कहे कि खुद नीतीश कुमार कुछ ऐसा कर जाते हैं या बोल जाते हैं कि अक्सर विपक्षी पार्टियों को एक चुटकी लेने का मौका मिल जाता है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक शाही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, इफ्तार पार्टी में सीएम नीतीश कुमार पहुंचे जहां उनके पीछे एक लाल किले का पोस्टर दिखाई दिया, सर पर उनके भले ही सफेद टोपी थी लेकिन जो उनके पीछे का पोस्टर था वो अब तमाम तरीके के सियासी सवाल खड़े कर रहा है कि क्या नीतीश कुमार 2024 के पीएम की रेस में तो शामिल होने की तैयारी नहीं कर रहे हैं। देखिए मुस्कान, अगर बात की जाए बिहार के मुद्दे नीतीश कुमार की, तो वो एक राजनीतिक के बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी हैं और उनको राजनीतिक जो समीकरण है उनका पूर्वानुभव भली भांति रहता है। इससे पहले जब वो एनडीए में थे तो लगातार ये चर्चाएं थी कि नीतीश कुमार जो है उपराष्ट्रपति की दौड़ में बने रहते हैं, राष्ट्रपति के दौर में बने रहना चाहते हैं और चाहते थे कि सरकार से क्या उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति का पद जो है वो नीतीश कुमार जो है संभाले। लेकिन इसके बाद जो है यहाँ जब उनकी दाल नहीं गलती है तो वो राजद के साथ चले जाते हैं, एनडीए का गठबंधन तोड़ देते हैं और फिर से बिहार की सत्ता उन्हीं के पास रहती है। तो गठबंधन कोई भी हो, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने रहते हैं और उसके बाद से लगातार वो एनडीए पे हमलावर है और एनडीए सरकार पे हमलावर है। एनडीए से निकलने के बाद केंद्र की सरकार मोदी सरकार पे हमलावर है और जो बिहार में इफ्तार पार्टी के दौरान जो बैकग्राउंड में लाल किले की फोटो लिखी गई थी, तो नीतीश कुमार का पीआर इतना मजबूत है कि वो लगातार संदेश देता रहता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जो विपक्ष की भूमिका है, जो तीसरे फंड की भूमिका बन रही है, उसके सबसे योग्य उम्मीदवार नीतीश कुमार है। हालांकि नीतीश कुमार ने कभी सार्वजनिक तौर से इस बात को स्वीकार नहीं किया और न ही आगे वो करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार अपने आगे कुछ लोग करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं अपने पदाधिकारी को इस बात का आगाह करते रहते हैं कि वो इन बातों को जनता के सामने रखे, इन बातों को उठवाए ताकि नीतीश कुमार लगातार इस बात से सफाई देते रहे। तो कभी आज तक जो है नीतीश कुमार के मुंह से ये शब्द नहीं सुनने को मिला है कि वो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर रहे हैं या जो तीसरे फ्रंट के नेता बने हुए हैं। बिल्कुल विवेक, अगर देखा जाए तो इस वक्त बिहार जो है वो दंगों में जल रहा है क्योंकि बिहार से भी लगातार रामनवमी के बाद से दंगों की तस्वीरें सामने आई। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में पहुंचते हैं तो इस तस्वीर के जरिए वो क्या कुछ संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए एक बड़ा संदेश है बिहार से लेकर दिल्ली तक, ये बड़ा संदेश है कि ये जो तीसरे फंड की वकालत जो है नीतीश कुमार से लेकर स्टॉली ममता बनर्जी अखिलेश यादव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपने आप को एक चेहरे की तरह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कई सालों तक उनका अनुभव रहा है राज्य चलाने का, कई सालों तक प्रशासन को रन करने का अनुभव है और सबसे योग्य उम्मीदवार जो है वो नीतीश कुमार खुद को बताते हुए हैं। अगर बात की जाए 2010 से 2014 की जब वो एनडीए में थे तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का नाम जो है लगातार एनडीए से चल रहा था कि ये दो उम्मीदवार जो है वो प्रधानमंत्री पद के रेस में है, लेकिन नरेंद्र मोदी का नाम आने के बाद नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए, चुनाव लड़े और लोकसभा चुनाव में हारों के बाद नीतीश कुमार ने बकायदा इस्तीफा भी दे दिया था, फिर जीता राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। उसके बाद वो फिर से जो अपनी सियासत शुरू करते हैं, लगातार फिर अंदर बाहर जो है एनडीए गठबंधन के अंदर बाहर रहते भी बिहार को चलाते हैं, मुख्यमंत्री बनते रहते हैं और सियासत को अपने अलग पैगाम पे लेके चले जाते हैं। तो साफ तौर पे जो दंगे हुए हैं उसके बाद इफ्तार पार्टी का जो एक संगठन द्वारा आयोजन था तो बिहार भाजपा जो है पूरी तरीके से आक्रामक नीतीश कुमार का है। तो बिहार भाजपा के प्रवक्ता ने भी एक आरोप लगाया है और बड़ी कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए बताया है कि रोम जब जल रहा था तो मीरो बांसुरी बजा रहा था, तो मीरो की तुलना जो है नीतीश कुमार से कर दी है। जिस प्रकार से दंगे हुए रामनवमी को लेकर नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, बकायदा लाल किले की तस्वीर लग गई है, तो काफी कुछ बयां कर रहे हैं ये तस्वीर इफ्तार पार्टी। बिल्कुल, धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।
एनसीईआरटी में नए शैक्षणिक सत्र 2023-24 में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इतिहास, नागरिक शास्त्र और राजनीति शास्त्र में ये बदलाव किए गए हैं। दसवीं की लोकतांत्रिक राजनीति 2 पुस्तक में लोकतंत्र और विविधता, जन संघर्ष और आंदोलन, लोकतंत्र की चुनौतियों जैसे कई पाठ को हटा दिया गया है, यानी कि ये सारे चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। वही भारतीय इतिहास के 12वीं के अगर हम सिलेबस की बात करें तो द्वितीय भाग में, यानी कि सेकेंड यूनिट में, यूनिट 5 शासक और इतिवृत्त पाठ के अंतर्गत मुगल शासकों और उनके दरबार के बारे में जो पाठ्यक्रम पहले से पढ़ाया जाता था उसे अब नहीं पढ़ाया जाएगा। इसी के साथ इतिहास के भाग 3 में, यानी कि यूनिट 3 में औपनिवेशिक शहर और यूनिट 5 में विभाजन को समझना भी हटा दिया गया है। इससे यूपी बोर्ड के साथ ही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि NCERT के छात्र भी अब इन पाठों को नहीं पढ़ सकेंगे। तो इस बार सिलेबस में काफी ज्यादा बड़ा बदलाव किया गया है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत ये बदलाव किया गया है, यानी कि अब जो छात्र है वो लोकतंत्र के बारे में नहीं पढ़ पाएंगे। भारत किस तरीके से आजाद हुआ, किस तरीके से मुगलों का शासन काल रहा, लोकतंत्र की विविधता, अब इन सबके बारे में कहीं ना कहीं छात्र नहीं पढ़ पाएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, जिस तरीके से नए शैक्षणिक सत्र में ये जो बदलाव किए गए हैं उसमें तमाम तरीके के चैप्टर्स हटा दिए गए हैं, चाहे वो मुगलों का इतिहास हो, भारत का विभाजन हो, तो क्या ऐसा ना कहा जाए कि अब जो छात्र है वो लोकतंत्र की विविधता के बारे में नहीं पढ़ पाएंगे? विद्यार्थियों का बोझ कम करने के उद्देश्य से ऐसे फैसले लिए गए हैं। इसको लेकर जब बात की गई उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी से, उनका साफ तौर पर कहना था विस्तार कि प्रदेश के अंदर में हिंदी के पाठ्यक्रम है तो उत्तर प्रदेश में सबसे है, बाकी केंद्र से आती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में इस मामले को लेकर पाठ्यक्रम में बदलाव है, इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं सियासत तेज हो गई है। बात करें तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव कहीं ना कहीं जो तमाम साहित्य के जो विषय हटाए गए हैं, चाहे बात की जाए सुमित्रा नंद पंत, चाहे बात की जाए चिराग गोरखपुरी, चाहे बात की जाए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की गीत कहीं गाता हूँ कविता, इन कविताओं को लेकर कहीं ना कहीं अब सियासत तेज हो गई है और कई तरीके की कविताओं को भी हटा दिया गया है। तो आखिर छात्र जो है वो इतिहास के बारे में जब नहीं जानेंगे तो आखिर वो भविष्य के लिए कैसे काम करेंगे कि भविष्य का भारत कैसा होगा? उनके ऊपर बोझ कम करने के उद्देश्य से ये चेंजेस किए गए हैं। उनका साफ तौर से अगर देखे तो कहीं ना कहीं छात्रों के लिए राहत है, तो कहीं ना कहीं जो तमाम छात्र है या अगर वो सिविल सर्विसेज में जाते हैं और उनका एक देखे तो एक छोटा सा रोजगार तो अगर पढ़ के जाते हैं तो कहीं ना कहीं इच्छा रहती है। वही अगर बात की जाए तो फिजिक्स से लेकर तमाम विषयों के जो सब्जेक्टों को कम किया गया है, इससे इनके आगामी जो परीक्षाएं होंगी, चाहे बात की जाए तो इंजीनियरिंग की परीक्षा हो, चाहे बात की जाए जो सामान्य विषय से जुड़ी परीक्षाएं हो, इसमें कहीं ना कहीं छात्रों के सब सब्जेक्ट हटाने से कहीं ना कहीं उनको आगे और भी मेहनत करनी पड़ेगी। अब बात की जाए तो इसमें NCERT की तरफ से कहा जा रहा है, शिक्षा विभाग की तरफ से, केंद्रीय शिक्षा विभाग की तरफ से, कि छात्रों के बोझ कम करने के उद्देश्य से पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है। बात करें तो 2023-24 से जो सत्र होगा इसमें ये लागू होगा, मगर इसकी प्रस्तावना कोविड काल के दौरान ही की गई थी और अब इसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत लागू की गई है। देखने वाली बात ये होगी कि इसको लेकर अब छात्रों का क्या कहना होगा, आने वाले समय में साफ होगा। मगर उत्तर प्रदेश की सियासत में, देश की सियासत से कहीं ना कहीं पाठ्यक्रमों के बदलाव को लेकर अब सियासी घमासान तेज हो गया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर हम
मुगलों को हटा भी दे तो अगर देश के एक देश के देश की जो अंग्रेजों के या मुगल है उसके अहम योगदान देने वाले और साथ ही साथ हिंदू राजा महाराजा प्रताप की जब हम बात करेंगे उस वक्त हम जरूर बिल्कुल विभांशु, क्योंकि हम चाहे किसी भी काल की बात करें, चाहे हम मुगलों की बात करें या चाहे हम हिंदू राजाओं की बात करें, ये कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। तो अगर ऐसे में आप एक अध्याय को ही हटा देंगे तो आखिर जो छात्र है वो दूसरे अध्याय को कैसे समझेंगे? बिल्कुल निश्चित तौर पर इसका परिणाम छात्रों के भविष्य को देखने को मिलेगा और आगामी जो उनकी परीक्षाएं होंगी, चाहे बात करें तो उनकी आगामी जो तैयारियां उनकी होंगी क्लास 12वीं के बाद, उसको इसका फर्क देखने को मिलेगा। क्योंकि सिविल सर्विसेज में अगर देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री और साथ ही साथ आप अगर देखा जाए तो मिडिल हिस्ट्री, इन तीनों जो हिस्ट्री पोर्शन होते हैं उसको शुरुआती कहा जाता है या सीढ़ी होता है सिविल सर्विसेज में, तो इन तमाम के पाठ्यक्रम में कमी की गई है। तो आगामी जब वो 12वीं पास करेंगे तो आने वाले दिनों में उनको कहीं ना कहीं इनके इन सब्जेक्टों से भली भांति परिचित नहीं रहेंगे तो उन्हें मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है, ऐसा अध्यापकों का कहना है। देखने वाली बात यह होगी मुस्कान कि अब इस एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में बदलाव के बाद जहाँ सियासत तेज है तो वही अगर देखें तो केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, चाहे बात करें फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो, तमाम सब्जेक्टों में पूरी तरह से उन्हें पाठ्यक्रम में कटौती से छात्रों के जीवन में क्या बदलाव होगा वो आने वाले समय में बताया जाएगा। मगर बात की जाए इसमें बच्चों को इसका पूरा लाभ मिलेगा कहा जाए। बिल्कुल 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 विभांशु, धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ ने स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से दाखिल वाई या जेड श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करवाने की याचिका को महत्वहीन मानते हुए खारिज कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता को ये छूट दी है कि अगर वो सुरक्षा संबंधी कमिश्नरेट स्तर के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो उसके खिलाफ किसी सेक्शन कोर्ट या फोरम के समक्ष चुनौती प्रस्तुत कर सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ल की खंडपीठ ने स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। वहीं श्रीरामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर विवादास्पद टिप्पणी करने के बाद अपनी मौजूदा सुरक्षा पर्याप्त नहीं होने की बात कहते हुए याचिका के माध्यम से स्वामी प्रसाद मौर्य ने वाई या जेड श्रेणी सुरक्षा मुहैया करवाने की मांग की थी। याचिका अधिवक्ता का कहना था कि एमएलसी होने के नाते उन्हें मौजूदा समय सिर्फ दो गनर ही मिले हैं जो उनकी सुरक्षा पर मंडराते खतरे को देखते हुए पर्याप्त नहीं है। ऐसे में कोर्ट से याचिका की सुरक्षा बढ़ाए जाने का आदेश देने की भी मांग की गई है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को सुरक्षा नहीं मिली है, जेड श्रेणी की सुरक्षा याचिका खारिज कर दी गई है। जेड और वाई श्रेणी की सुरक्षा की उन्होंने गुहार लगाए थे क्योंकि रामचरितमानस की चौपाइयों पर विवादास्पद टिप्पणी करने के बाद उन्होंने कहा था कि उनकी जान पर खतरा मंडरा रहा है। तो वहीं उनके वकील का कहना है कि एमएलसी होने के नाते सुरक्षा की दृष्टि से उनके पास दो गनर है जो कि बहुत कम है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रितेश हमारे साथ जुड़े हैं। रितेश, स्वामी प्रसाद मौर्य को सुरक्षा नहीं मिली है क्योंकि उन्होंने जेड श्रेणी की सुरक्षा की गुहार लगाई थी, अब ऐसे में उनका आगे का रुख क्या होगा? देखिए मुस्कान, सबसे बड़ी बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्री रामचरित मानस के ऊपर जो विवादित बयान उन्होंने जो दिया था उसको लेकर के सारा मामला था। उसके बाद कहीं ना कहीं उनको चिंता और भय सताने लगा था कि कहीं उन पर कोई हमला ना हो जाए। इसको लेकर के उनके वकील ने एक याचिका दायर की थी कि उन्हें वाई और जेड श्रेणी की सुविधा उपलब्ध कराई जाए क्योंकि उनकी जान को खतरा है, उन्हें विशेष श्रेणी सुरक्षा में रखा जाए। हालांकि इलाहाबाद कोर्ट की जो लखनऊ खंडपीठ है उसने याचिका को खारिज कर दिया है। वो इस मामले को खारिज इसलिए किया है कोर्ट ने कि ये महत्वहीन माना जा रहा है, यानी इनको सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल उनके वकील का कहना है कि एमएलसी होने के नाते इनके पास केवल दो पुलिसकर्मी सुरक्षा की दृष्टि से हैं। हालांकि श्री रामचरित मानस पर जब इन्होंने बयान दिया था, विवाद जो बयान इनका आया था उसके बाद से कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश का माहौल बिगड़ा था और माहौल बिगड़ने के बाद से बहुत विरोध होना शुरू हो गया था। उसके चलते जिस तरीके से अब आज इनको सुरक्षा तो नहीं दी गई है, लेकिन अब ऐसे में क्या स्वामी प्रसाद मौर्य क्या अपनी जो ऊपरी अदालत है उसका दरवाजा खटखटाएंगे या फिर इस फैसले को मान लेंगे?
देखिए इस फैसले को तो नहीं मानेंगे क्योंकि दरवाजा खुला है, कोर्ट ने भी कह दिया है कि दरवाजा खुला है, वो आगे जा सकते हैं, कमिश्नरेट व्यवस्था है, आप अपनी सुरक्षा की गुहार लगा सकते हैं, आगे जा सकते हैं। अभी तक जो तर्क दिया गया है यहाँ पर वो महत्वहीन माना गया है, यानी इनको सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से विवादी बयान देते रहे हैं उसको लेकर के उनको सुरक्षा के घेरे में लाया जाना चाहिए, ऐसा उनके वकीलों का कहना है। लेकिन जब इस तरीके के विवाद देने से वो अपनी अपने ऊपर आए हुए चीजों को और बढ़ावा दे रहे हैं तो ऐसा बयान उन्हें नहीं देना चाहिए। फिलहाल हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए जिस तरीके से वो श्री रामचरितमानस की चौपाइयों पर विवादित बयान दिए थे उससे कहीं ना कहीं पूरे देश और पूरे प्रदेश का माहौल बिगड़ा था, जिसके चलते हुए वाई और जेट श्रेणी सुरक्षा की मांग की गई थी उनके वकील के द्वारा, और उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उस याचिका को खारिज कर दिया। अब केवल दो पुलिसकर्मी के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य एमएलसी के पद पे तैनात हैं और वो अपनी पार्टी के साथ अब राष्ट्रीय महासचिव भी हैं समाजवादी पार्टी के, तो हालांकि वो अभी आगे का दरवाजा खटखटा सकते हैं। बिल्कुल रितेश, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदुओं के पवित्र जो ग्रंथ है उस पर टिप्पणी की थी, ऑलरेडी उनके पास दो गनर है, अब ऐसे में उनको जान का खतरा है, लेकिन अब तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं ठंडा होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अब आखिर अब उनको क्यों सुरक्षा चाहिए? देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में कोई किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। गुंडा माफिया के लिए उनका बुलडोजर चल रहा है लगातार, तो उनको डरने की आवश्यकता नहीं। इस भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है डबल इंजन की सरकार, वो ये लगातार कह रही है कि क्या आवश्यकता है सुरक्षा घेरा लेने की, कोई आवश्यकता नहीं। हालांकि साफ कह दिया गया कि कोई जरूरत नहीं सुरक्षा की, दो पुलिसकर्मी ही तैनात हैं, वो उनकी सुरक्षा के लिए काफी हैं। बिल्कुल धन्यवाद रितेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस